लखनऊ के कैसरबाग थाने में प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। ये कार्यकर्ता सपा नेता अनीस राजा के भाई और अंबेडकर नगर वार्ड के पार्षद रईस अहमद को जेल भेजे जाने का विरोध कर रहे थे। अपने नेता की गिरफ्तारी के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद रात करीब 11 बजे पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को थाने से खदेड़ दिया। इसमें 6 कार्यकर्ता चोटिल हो गए, कई के कपड़े फट गए। वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की, दूसरे पक्ष के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। इंस्पेक्टर आलमबाग ने बताया कि 3 दिन पहले सारिक ने पार्षद रईस अहमद पर मुकदमा दर्ज कराया। रईस अहमद को आज शांति भंग के आरोप में धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर ऐशबाग स्थित कार्यपालक न्यायालय में पेश किया गया था, जहां रईस अहमद के समर्थन में तमाम सपा कार्यकर्ता ने आकर हंगामा किया। एसीपी बाजार खाला अनिल कुमार यादव का कहना है कि रईस अहमद को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया था, लेकिन रईस के समर्थन में आए लोगों ने उनके आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए उनकी गाड़ी को आगे जाने से रोका और सरकार काम में बाधा डाली। धरना प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही की जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें, पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाषण का एक वीडियो ट्वीट कर उनका आभार जताया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने धारा 144 लागू कर दी है। यह 12 जून से 10 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा बकरीद मुहर्रम और अन्य परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।